देखिए अभी तो एनडीए में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है, कौन सीट चिराग पासवान जी को जाएगी, कौन सीट किसे जाएगी, तो ऐसे पहले क्यास लगाना कुछ कहना पक्का कुछ नहीं मांगा माना जाएगा। ये चिराग पासवान जी का और एलजेपी के इंटरनल मैटर है। अगर वो चिराग पासवान के साथ जाती हैं या चिराग पासवान की पार्टी में ज्वाइन होती हैं तो ये चिराग पासवान के प्रवक्ता बताएंगे और चिराग पासवान जी बताएंगे उसका क्या करना है। एनडीए के साथ आएगा और एनडीए के साथ रहेगा और एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। पिछली बार भी सिवान के लोगों ने एनडीए को ही नाम पे पूरा बिहार जो है एक तरफा एक हजूम में इतिहास रचने जा रहा है। 40 की 40 सीटें हम जो है भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ना चंद्रयान पे जो हमारे वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की, जब वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की तो हमारे देश के एक एक नागरिक का सीना जो है 56 इंच कहते हैं सब मीडिया भजवाती है ढंग का। देखिए मीडिया भजवाते, मीडिया ने चांद पे भिजवा दिया चंद्रयान को, मीडिया ने ये G20 का बैठक कराया। मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिमों के बारे में सोचते तो कुछ नहीं है आप, मुसलमानों के क्या दुर्दशा है आपकी पार्टी में, क्या रिस्पेक्ट है आपके, मुसलमान जो है आपको 100% कह सकते हैं आरजेडी। अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता वसीम रजा जी है। हम इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, आने वाले लोकसभा 2024 के बारे में और खास करके सिवान लोकसभा सीट के बारे में जानेंगे जो कि उस टाइम गठबंधन था बीजेपी और जदयू का, यानी इंडिया गठबंधन से कविता सिंह वहां से सांसद है जो जदयू कोटे से सांसद है। इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे वसीम रजा जी से। क्या कहिएगा सिवान की राजनीति में क्या लग रहा है कि 2024 में फिर से एनडीए बाजी मारेगी या ये सीट जो है इंडिया की तरफ झुक जाएगा? देखिए सिवान जो लोकसभा है वो 100% एनडीए के साथ आएगा और एनडीए के साथ रहेगा और एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। पिछली बार भी सिवान के लोगों ने एनडीए को ही फतवा दिया अपना और एनडीए के सिंबल पे ही, एनडीए के साथ के वजह से ही कविता सिंह चुनाव जीती थी। वो वोट जो है सिवान के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो क्या लगता है इस बार मतलब आपके एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा? देखिए एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कोई भी हो, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, बिहार के अंदर 40 की 40 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में गिरने वाली हैं और नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट और विकास के मॉडल पे, नरेंद्र जी मोदी जी के नाम पे पूरा बिहार जो है एक तरफा एक हजूम में इतिहास रचने जा रहा है। 40 की 40 सीटें हम जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी बिहार से, 40 की 40 सीटें जीत के जाएगी बिहार से, ये 100% है। बिहार इस बार इतिहास रचेगा। आप कह रहे हैं सर कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग 40 की 40 सीट हारिएगा। देखिए वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन है और ये कह सकते हैं कि ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जितने चोर मौसेरे भाई, ये जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कोई बेल पे है, कोई जेल में है, किसी पे अब केस दर्ज होने वाला है, किसी पे हो गया, ये सब जितने घोटाले बाजों की ये जो गठबंधन हुआ है, इंडिया जो गठबंधन ये लोग बना के घूम रहे हैं, सिर्फ नाम ही बदला है। ये वही बहुरूपीय हैं जो एक दूसरे को गालियां बकते थे, एक दूसरे की बुराइयां करते थे, आज सब ने एक साथ इकट्ठा होकर देश के विकास को, देश के डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास करने के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया है। और ये सब वही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ थे, कभी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, आज उनको ये लगा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसने देश को संभाल लिया है, देश को बहुत बुलंदियों पे लेके जा रहा है, आज देश देखिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा हुआ है। अभी G20 में देखा ना आपने, पूरी दुनिया के 20 मुल्क बड़े मुल्क जो है हिंदुस्तान के अंदर आके बैठे, वहाँ पे शिखर वार्ता चली। उससे पहले हम देखिए ना चंद्रयान पे जो हमारे वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की, जब वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की तो हमारे देश के एक एक नागरिक का सीना जो है 56 इंच का हो गया और गर्व से पूरा गौरवान्वित है, पूरा गर्व महसूस कर रहा है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। अगर वैज्ञानिकों ने डंका बजाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं देश की सरकार की सोच होती है, जो हमारे वैज्ञानिक है उनका मनोबल बढ़ाने की जो आवश्यकता होती है। डंका बज रहा है लेकिन वो लोग तो कहते हैं सब मीडिया बजवाती है डंका। देखिए मीडिया बजवाते, मीडिया ने चांद पे भिजवा दिया चंद्रयान को, मीडिया ने ये G20 का बैठक कराया, ये तो कार्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इनके कहने और करने के बाद आज तक तो यही कहते आए हैं। और मैं ये कहता हूं कि बिहार के अंदर या देश के अंदर जो ये लोग बोलते हैं, पहले मुसलमानों को डराते रहे, मुसलमानों के बीच जाते थे और मुसलमानों को कहते थे कि भाई पाकिस्तान भेज दिया जाएगा आपको, ये कह दिया। कुछ दिन पहले लालू यादव जी का भी ऐसा ही बयान आया है कि मुसलमानों के लिए देश में खतरा है।
अरे भाई लालू यादव जी या आरजेडी या कांग्रेस के लोग ये कब तक ऐसी झूठी बातें करके झूठी दलीलें देके अपनी सरकारों का गठन करता रहेंगे, सत्ता करते रहेंगे। आप लोग एक तरफ मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिमों के लिए बारे में सोचते तो कुछ नहीं है आप। मुसलमानों के क्या दुर्दशा है आपकी पार्टी में, क्या रिस्पेक्ट है आपके? मुसलमान जो है आपको 100% कह सकते हैं आरजेडी की तरफ झुकाव रहता है। मुसलमान का मैक्सिमम मुसाओं में मुस्लिम जो है वोटर माना जाता है एमओआई समीकरण का, बराबरी की राजनीति, बराबर के वोट मतदाता उनको मतदान करते हैं। और जब शेयर की बात आती है तो बराबर का शेयर भी मिलना चाहिए ना मुसलमानों को। मुसलमानों को क्या शेयर देती है आरजेडी? तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार का मुसलमान जो है जागरूक हो चुका है। जो लालू यादव जी एक जो कह सकते हैं ना नौटंकी करके एक बहुत अच्छा नौटंकीबाजी करते हैं, उस नौटंकी से दूर हो गया है, नौटंकी को समझ गया है। सिवान छोड़िए, वो सब बात हम लोग खत्म करते हैं, सिवान के बाद आते हैं। सिवान में मरहूम साहबुद्दीन, उनका नाम जो है सिवान में बहुत फेमस है और सभी लोग जानते हैं, वो कई बार सांसद भी रहे हैं सिवान से। तो क्या लगता है जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार हिना साहब से मिल रहे हैं, ऐसे कयास लगाई जा रही है कि चिराग पासवान के साथ हिना साहब जा सकती है? अगर हिना साहब चिराग पासवान के साथ जाती है तो क्या वो सीट जो है वो चिराग पासवान के झोली में जा सकता है क्या, और वहाँ से हिना साहब प्रत्याशी हो सकती है क्या? देखिए अभी तो एनडीए में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है, कौन सीट चिराग पासवान जी को जाएगी, कौन सीट किसे जाएगी, तो ऐसे पहले कयास लगाना कुछ कहने का मतलब नहीं है कि कौन सी सीट उनको चिराग पासवान जी को दिया जाएगा। लेकिन ये तो लगता है ना सर, अगर ये तो लगता है ना कि अगर हिना साहब अगर चिराग के पार्टी में अगर जाकर शामिल हो जाती है, एलजेपीआर में अगर शामिल हो जाती है, तो टिकट तो पक्का माना जाएगा ना? देखिए टिकट अभी पक्का कुछ नहीं माना जाएगा, ये चिराग पासवान जी का और एलजेपी के इंटरनल मैटर है। अगर वो चिराग पासवान के साथ जाती हैं या चिराग पासवान की पार्टी में ज्वाइन होती हैं तो ये चिराग पासवान के प्रवक्ता बताएंगे और चिराग पासवान जी बताएंगे उनका क्या करना है। अभी ना एनडीए की सीटों में बंटवारा हुआ है, ना एनडीए ने अभी कौन सी सीट किसको देना है इसका कोई मन बनाया है, अभी उसके ऊपर बैठक होगी। हिना साहब आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए अब हिना साहब आएंगी क्या होगा ये भविष्य की बात है, हमारी भाजपा में तो आ नहीं रहेंगे कि हम स्वागत करेंगे भाजपा में तो आ जाएंगे नहीं, गठबंधन में आ रही है। अब चिराग पासवान जी के गठबंधन में कौन आ रहा है अब चिराग पासवान जी जाने, चिराग पासवान जी अगर हमारे अलायंस पार्टनर है गठबंधन में है, हम उनको जो अलायंस शेयर उनका बनेगा, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगी उनको सीटें मिलेंगी। अब वो अपने सीट पे किसको उम्मीदवार बनाते हैं वो चिराग पासवान जी जानते हैं, उस विषय में हमने कुछ कर सकते। गठबंधन से तो आप लोग डर गए? डरे तो वो लोग हैं, हम क्यों डरेंगे? हम तो आज कह रहे हैं ना कि इस बार 400 पार जाने वाली है सीटें। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल, आज देश के अंदर किसी भी नागरिक से चर्चा करिए भाजपा के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, और बिहार के अंदर खास तौर से जो बिहार के अंदर नीतीश और लालू जी का ये घमंडिया गठबंधन हुआ है उसके बाद से बिहार की जो जनता है एकदम से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार है, और एक तरफा प्रचंड बहुमत जो है विधानसभा और लोकसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी को बिहार से प्रचंड बहुमत मिलेगी। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जनता के मन को टटोलिए। आज पूरे बिहार के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है, हर रोज लूट बलात्कार हत्याएं हो रही हैं, लोग परेशान हैं, इवन कि आप लोग खुद रोज मीडिया पे चला रहे हैं, पत्रकार तक सेफ नहीं है। आज जो आप मीडिया में सवाल पूछते फिर रहे हैं, ये पहले के जो हालात थे, पहले वाले हालात थे जो पत्रकार को बोलने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, आज फिर उसी तरीके का माहौल बनाने का प्रयास महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। लगातार कई पत्रकारों की हत्याओं की खबर आ रही है, ये क्या है? ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? किसी को बोलने नहीं देना, पत्रकारों की हत्या, पुलिस वालों की हत्या, ये क्या हो रहा है बिहार में? चलिए वसीम राजा जी को आप लोगों ने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ये गुंडों की सरकार चल रही है, और सिवान के बारे में भी लेकर के इन्होंने बहुत कुछ कहा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।